अस्सलाम वालेकुम। कीमे की अगर पिछली पुरानी रेसिपी से बोर हो चुके हैं तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल ही नई रेसिपी, खड़े मसाले का कीमा, जो बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत जल्दी, झटपट और बहुत मज़ेदार बनने वाला है। इसलिए वक्त ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप ऑयल में आपने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप कर लेना है। वो आपने ऑयल में फ्राई करनी है। फ्राई तब तक करनी है कि लाइट सा गोल्डन सा कलर हो जाए। 1/2 kg मैंने कीमा लिया है बीफ का। बीफ में ये ज़्यादा मज़े का बनता है। जब प्याज का इस सिचुएशन पर हो जाए, यानी कि बिल्कुल लाइट सा कलर आ जाए, फिर हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के आपने कीमे के साथ प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। कीमे में से जो पानी निकलेगा वो ड्राई हो जाए और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अभी 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है हमने। ये देखें, काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज पे आपने 1/2 kg ही मैंने इसमें टमाटर लिए हैं। टमाटर को बारीक मैंने चॉप कर लिया है, वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आपने फ्राई करना है। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक बिल्कुल फाइनली चॉप करके वो हमने इसमें ऐड करना है। ये मैंने पहले लहसुन ऐड किया है और इसी तरह ही आपने बारीक अदरक भी चॉप कर लेना है। इसमें हमने पिसा हुआ लहसुन अदरक नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि फ्रेश चॉप करके इस्तेमाल करना है। इसके साथ इसमें जाएगी हरी मिर्चें, 10 से 12 अदद हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली हैं, वो आपने इसमें ऐड करनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने कीमे के साथ मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट आपने इन खुशक मसालों के साथ ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने दूसरे स्पाइसेस, जिसमें कुटी हुई मिर्चें आपने लेनी है 1.5 tablespoon। साथ में इसके जाएगा सिर्फ हल्दी 1/2 teaspoon और नमक जितना भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1/2 tablespoon के बराबर नमक लिया है। सिर्फ इन 3 मसालों के साथ ही हम इस कीमे को बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। हरी मिर्च जो हमने डाली है उससे इसका फ्लेवर मज़ीद निखर जाएगा। हरी मिर्च से वैसे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको स्लो आंच पर इसी तरह ही फ्राई करना है। ये देखें, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, कीमा रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करने से पहले आपने इसकी थोड़ी सी हरा धनिए के साथ गार्निशिंग करनी है और गार्निशिंग करके आपने इसको सर्व करना है गरम गरम चपाती के साथ। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको फौरन से मिल जाए। और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ये देखें, कीमा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लेते हैं। इसके अलावा भी कीमे की 2-3 और रेसिपीज़, बड़े मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप उसका भी विज़िट करें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर कोई आपकी फरमाइश है तो आप वो भी ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश भी पूरी की जाए। ऐसी ही मज़ेदार और रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।